हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो आज थोड़ा सा इंडस्ट्रियल मशीन से रिलेटेड मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट, ये महाराष्ट्र मिरज सांगली बेस कंपनी है, वहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। मिरज सांगली ये MIDC मिरज सांगली का जो प्लेस है, वो लॉन्ड्री इंडस्ट्रियल के मशीन बनाने में बहुत ज़्यादा नाम है मिरज सांगली का। तो वहाँ की एक कंपनी है ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट, तो मैं उनके मशीन्स प्रमोट कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो मैं चैनल पे प्रमोट करता हूँ तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, कम से कम 51 सब्सक्राइबर्स ने लॉन्ड्री इक्विपमेंट, ड्राई क्लीनिंग मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स और टम्बलर मशीन से रिलेटेड इंक्वायरी की है ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट से। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने मुझसे कहा कि सर कहीं पे कॉस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े से कॉस्ट इनकी ज़्यादा हो रही है या थोड़ा सा कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क है, ऐसा मुझे लोगों ने कहा। तो फिर चलो मैंने सिर्फ विनायक शिंदे जो ओनर है लॉन्ड्री ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट्स कंपनी के जो ओनर हैं विनायक शिंदे सर जी, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे सब्सक्राइबर को थोड़ा सा रेट में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, तो इसके क्या कारण होंगे। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो मैं आपके सामने अब कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक घर बनवाना था, मुझे आज से 2 साल पहले की बात है, तो मुझे बहुत सारा स्टील लगने वाला था, पूरा कंक्रीट का काम था। तो मैं यहाँ पे हमारे जो स्टील की जो शॉप है जहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल्स मिलता है उनके पास गया, तो उन्होंने मुझे 2 तरह के स्टील बताए। उसमें 5 रुपीज का डिफरेंस था, 5 रुपीज का, एक था जो 5 रुपीज कम थे और एक के 5 रुपीज ज़्यादा थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये स्टील तो नॉर्मल स्टील दिख रहा है, लेकिन ये इसमें क्या डिफरेंस है जो 5 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्जेस है और कम भी है। तो उन्होंने मुझे कहा एक होता है रिसाइकल स्टील, जो भंगार या हमारा जो भी हम भंगार या जूना जो स्टील होता है उसको रिसाइकल करते हैं, उससे सरिया बनाते हैं कंक्रीट के लिए, तो वो एक स्टील है। और एक दूसरा है जो डायरेक्ट खदान से आता है फैक्ट्री में और उसे पिघला कर उससे फ्रेश स्टील होता है, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये फ्रेश स्टील है और ये रिसाइकल स्टील है। तो मेरा मानना था कि मैं जो फ्रेश स्टील लिया फ्रेश स्टील लूँ, क्योंकि हमें घर लाइफ टाइम के लिए बनवाना है, इसीलिए मैंने जो फ्रेश स्टील है जेन्युइन कंपनी का, ट्रस्टेड कंपनी का, ISO मार्क वाला, और उसके बहुत सारे ग्रेड होते हैं, तो उस कंपनी का मैंने लिया जिसके 5 रुपीज केजी के पीछे ज़्यादा थे। मीन्स मुझे 10 क्विंटल 20 क्विंटल ऐसा स्टील लगने वाला था, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता अगर मैं पैसे बचाने जाता था, पैसे बचाना चाहता तो। लेकिन हमें सिर्फ पैसे नहीं बचाने हैं, हर सस्ती चीज़ अच्छी ही होगी ऐसा नहीं है। अब ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट की भी वही पॉलिसी है, हम पैसे लेंगे, काम आपको अच्छे से अच्छा देंगे और जो मशीन की जो क्वालिटी होगी वो आपको बेहतर से बेहतर मिलेगी। मिरज सांगली मैन्युफैक्चरर के जो मशीन्स हैं, तो मैंने वो 25-25 सालों तक देखे हैं। मेरे खुद का मशीन 20-25 सालों उसकी एज होगी मेरे मशीन की, लेकिन अभी भी वो जैसे के वैसा है। सिर्फ वो गैलोनाइज स्टील का ड्रम है और इसमें प्योर स्टेनलेस स्टील का ड्रम है, और अंदर का जो ड्रम है वो भी स्टेनलेस स्टील का है, अच्छी अच्छी बेयरिंग है, और उससे रिलेटेड जो मशीन का जो अंदर क्या है, क्या बनाया है, कैसे मशीन मैन्युफैक्चर होती है, वैसे भी हमने एक वीडियो बनाई है।
ऐसी मैंने किसी भी चैनल किसी भी मैन्युफैक्चरर की वीडियो नहीं देखी है कि जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो वीडियो अपलोड करते हैं या शेयर करते हैं लोगों के साथ, किस तरह से हम मशीन बनाते हैं, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो सब बेसिक बातें हमने एक वीडियो में दिखाई है। ऐसी तीन वीडियो है, तीन में से एक वीडियो है वो स्पेसिफिक, कोई मुझे नाम मालूम नहीं अभी, लेकिन मैं आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे वो वीडियो में शो कर दूंगा। वो तीन वीडियो में से कोई एक वीडियो है या तो आप देख लीजिए। तीनों वीडियो जो है वो मशीन से रिलेटेड है, मशीन का वर्क, हाइड्रो मशीन का वर्क, लॉन्ड्री जो वॉशिंग मशीन का वर्क, और एक वीडियो है जो लॉन्ड्री मशीन में क्या क्या है, उस मशीन में क्या मटेरियल यूज हुआ है, तो उससे रिलेटेड एक वीडियो है। और उसमें एक बात और है, जो वॉशिंग मशीन जो होता है उसके जो साइड की जो प्लेट्स होती है वो कटिंग की हुई नहीं है या रेडीमेड नहीं आई है, वो कास्टिंग से बनी है। मीन्स वो प्योर स्टील को पिघला के वो कास्टिंग की जो प्लेट है वो तैयार की गई है। इसके वजह से मशीन को ज़्यादा रस्ट कभी लगेगा नहीं, जंग नहीं खाएगा, वो लॉन्ग लाइफ चलने वाला मशीन है और वो सर्विस भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। मैं उनसे कभी फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, लेकिन उनका जो बोलना है समझाना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं वो मशीन प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे चैनल की भी रेपुटेशन का सवाल है। अगर मैं किसी गलत चीज़ का प्रमोशन करूँगा तो उसका इफेक्ट मेरे चैनल पे आएगा, आप सब लोग डिसअपॉइंटेड होंगे। तो मैं अच्छी से अच्छी चीज़ प्रमोशन भी करूंगा, प्रमोट भी करूंगा और आपको सजेस्ट भी करूंगा। तो मैं ऑनेस्टी से मेरा काम करता हूँ। उन्होंने भी मुझसे सब एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिए, तो उनका नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आपके मन में और कोई भी डाउट होगा तो उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये इक्विपमेंट मीरा सांगली से है, मीरा सांगली का नाम लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज में मशीनरीज में अच्छा नाम है उनका, ग्लोबल लॉन्ड्री इक्विपमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मशीन्स अच्छी लगी होंगी तो आप देख लीजिए, लेना हो तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।